हेलो गाइस, कैसे हो आप सब दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है एक्सपर्ट नॉलेज। आज फ्रेंड्स, हम स्टूडियो में एसएसबी हेड कॉन्स्टेबल एएसआई और एएसआई के फ्रेंड्स एडमिट कार्ड के बारे में बात करेंगे। आपको अपना एडमिट कार्ड दोस्तों कैसे डाउनलोड करना है, ठीक है, आपको सेंटर पर क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में सारी वो बातें इस डिस्कस करेंगे, ठीक है, तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा। फ्रेंड्स, जो आप साइट देख रहे हैं, मैं इसका साइट आपको साइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, जिससे आप आसानी से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। ओके, और फ्रेंड्स आप देख रहे हैं एसएसबी हेड कॉन्स्टेबल एडमिट कार्ड 2018-19 एएसआई मिनिस्ट्रियल पीईटी पीएसटी एग्जाम डेट। फ्रेंड्स, एग्जाम डेट के बारे में आपको पता ही होगा, नीचे आ जाइए। फ्रेंड्स, इसकी बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। इसका सिलेक्शन प्रोसेस कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है, ठीक है, लेकिन फिर भी इसके बारे में बात कर लेते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे पीईटी, सबसे पहले फ्रेंड्स आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, ठीक है, उसके बाद आपका पीएसटी हो जाएगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, उसके बाद फिर आपका डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा, ठीक है, आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे, और फिर फोर्थ नंबर पे आप देख रहे हैं रिटन एग्जामिनेशन, और फ्रेंड्स फाइव नंबर पे आप स्किल टेस्ट, जिसको टाइपिंग स्पीड कह सकते हैं, टाइपिंग टेस्ट बोल सकते हैं आप, ठीक है, आपका ये सब होना है। ओके, नीचे आ जाइए। फ्रेंड्स, ये देख रहे हैं एग्जाम पैटर्न दोस्तों, जो आपका पेपर होगा जिस टाइप में होगा, देखें ऑप्शन टाइप का आपका जो पेपर क्वेश्चन आपको मिलेंगे, वो ऑप्शन टाइप का आपको क्वेश्चन मिलेंगे देखने को वहाँ पे, ठीक है, और जो आपके पेपर के जो फ्रेंड्स क्वेश्चन होंगे, फ्रेंड्स इंग्लिश हिंदी दोनों में होंगे, ठीक है, और जो आपके दोनों पेपर है इसमें, दो पेपर आपके इसमें आपको पता होगा, ठीक है, लेकिन आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, आपको किसी को नहीं पता हो तो। इसमें आपके दो दो पेपर होंगे, एक फ्रेंड्स पेपर आपका सुबह होगा, एक शाम को होगा, दोनों पेपर एक ही दिन होंगे, ठीक है, मतलब 2 घंटे का आपका पेपर होगा दोस्तों, और दोनों पेपर आपके एक ही दिन होंगे, ठीक है, मतलब सुबह फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर जो आपको शाम को हो जाएगा। ओके, और फ्रेंड्स देख रहे हैं द क्वेश्चन पेपर विल बी डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, आप देख रहे हैं फ्रेंड्स पेपर दो दो पार्ट में होना आपका, ठीक है। फाइनल मेरिट लिस्ट फर्स्ट ऑफ द विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिक ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन द पेपर सेकंड टेक्निकल रिटन एग्जामिनेशन ओनली। दोस्तों, आपको जो मेरिट तैयार होगी, ठीक है, जो आपके मेरिट जो आपको उसमें पास होगी फ्रेंड्स, आपके जो सेकंड पेज के मतलब सेकंड पेपर के बेस पे पास होगे, ना कि फर्स्ट के ऊपर दोस्तों, ठीक है, जब आपका फर्स्ट पेपर होगा फ्रेंड्स, आपकी जो ओनली मेंटेलिटी चेक करने के लिए होगा बस, ठीक है, जो आपका सेकंड पेपर है उसमें आपको जोर लगाना है, उसकी तैयारी फ्रेंड्स आपको अच्छे से करनी है टेक्निकल रिटन एग्जामिनेशन की फ्रेंड्स, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पे पेपर सेकंड टेक्निकल रिटन एग्जामिनेशन ओनली। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट, जो आपकी फाइनल लिस्ट है फ्रेंड्स, वो ओनली सेकंड पेपर के बेस पे बनेगी, ना कि फर्स्ट के बेस पे, मैं आपको बता रहा हूँ अभी, ध्यान से सुन लो फ्रेंड्स, ठीक है, जो आपकी जो लिस्ट बनेगी वो सेकंड पेपर के उस पर बनेगी, ना कि फर्स्ट पे, तो आप जोड़ देना ओनली सेकंड पेपर में, ना कि फर्स्ट पे, ठीक है, फर्स्ट की आपको ओनली वो पास पास करना है, आपको 14% लेके आने हैं बस उसमें फर्स्ट पेपर में, लेकिन आपको सेकंड में आपको आपका अच्छा वो दिखाना है पेपर में, ठीक है। नीचे आ जाइए फ्रेंड्स, देख रहे हैं यहाँ पे एडमिट कार्ड, आप देख रहे हैं यहाँ पे अवेलेबल नाउ, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यहाँ पे समस्त सीमा बल रिक्वायरमेंट, आप इस साइट पे आ जाएंगे फ्रेंड्स क्लिक करने के बाद, ये फ्रेंड्स ऑफिशियल साइट है, ठीक है, व्यू एप्लीकेशन स्टेटस, आपको फ्रेंड्स यहाँ पे अपना रजिस्टर नंबर डालना है, नीचे यहाँ पे पासवर्ड डालना है, और फ्रेंड्स नीचे देख रहे हैं इंटर कैप्चा कोड, आपको यहाँ पे कैप्चा कोड डाल देना है, ठीक है, और जो आप अगर आप रजिस्टर नंबर भूल चुके हैं, पासवर्ड भूल चुके हैं, आपको कुछ भी याद नहीं है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं फॉरगेट रजिस्ट्रेशन फॉरगेट पासवर्ड, आपको अगर पासवर्ड याद है, मतलब अगर आपको रजिस्टर नंबर याद नहीं है, तो आप यहाँ पे फॉरगॉट रजिस्टर नंबर पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, आगे आपको ऐसे फोन नंबर मांगा जाएगा और आपका नाम मांगा जाएगा, उसके थ्रू आप अपना रजिस्ट्रेशन आईडी निकाल सकते हैं, ठीक है, तो अपनी मैं रजिस्ट्रेशन आईडी यहाँ पे डाल देता हूँ, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ डाउनलोड करके एडमिट कार्ड अपना, ठीक है फ्रेंड्स, रजिस्ट्रेशन आईडी मैं भर रहा हूँ अभी, ठीक है, और नीचे फ्रेंड्स देख रहे हैं पासवर्ड, दोस्तों पासवर्ड जब आप फॉरगेट करेंगे आपको तो मालूम तब भी मालूम पड़ जाएगा, ठीक है, वरना आपने जब फॉर्म फिलअप करवाया था ना, वहाँ से आप पासवर्ड पूछ सकते हैं अपना, क्योंकि उन्होंने उनका एक अलग से पासवर्ड होता है इसमें। ओके, और फ्रेंड्स इतना करने के बाद आप देख रहे हैं लॉग इन पर आपको क्लिक कर देना है, तो मैं लॉग इन पर क्लिक कर रहा हूँ अभी, ठीक है। फ्रेंड्स देख रहे हैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आई डी, जो मेरी रजिस्ट्रेशन आई डी है ये है, और पोस्ट अप्लाइड एस सी मिनिस्ट्रियल, मैंने हेड कॉन्स्टेबल की पोस्ट भरी थी इसमें, ठीक है, और यू एप्लीकेशन हैज़ बी अपर्ड, मेरा जो फॉर्म है दोस्तों अप्लाइड हो चुका है, मतलब कि एक्सेप्ट हो चुका है आगे। आप फ्रेंड्स देख रहे हैं फिजिकल टेस्ट डेट एंड टाइम रिपोर्टिंग वेन्यू, दोस्तों जो पेपर होना है मेरा 19 तारीख को होगा, ठीक है, मतलब कि इसी महीने में। ओके, आप देख रहे हैं यहाँ पे आज 10 तारीख है, 9 दिन बाद, और जो आपकी इसमें रिपोर्टिंग टाइम है 10 AM, मतलब दोस्तों सुबह के टाइम आपका मतलब पेपर है, मेरा पेपर होगा, ठीक है,
और फ्रेंड्स नीचे आप देख रहे हैं डिटेल्स के बारे में, आपको पढ़ लीजिएगा इसे, ठीक है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो मैंने आपका पेपर है, ठीक है, आप नीचे देखें यहाँ पे डाउनलोड PET एडमिट कार्ड, ठीक है, आपको फ्रेंड्स डाउनलोड ऊपर भी दिखाया है आपको, देखें डाउनलोड PET एडमिट कार्ड, आपको उसके ऊपर क्लिक कर देना है। मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ अभी, तो फ्रेंड्स देखिए हमारा एडमिट कार्ड हमारे सामने आ चुका है। अप्लाइड पोस्ट एस सी मिनिस्टर, रोल नंबर इतना, नेम आपको दिख रहा होगा, ठीक है, और फ्रेंड्स नेम और एड्रेस वेन्यू, जो मेरा सेंटर है, मतलब जो हमारा सेंटर आपको इस प्रकार देख रहे हैं, ट्रेनिंग सेंटर सप्री ज्वालामुखी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा हिमाचल प्रदेश, ठीक है, ज्वालामुखी डिस्ट्रिक्ट, तो मेरा जो सेंटर वेन्यू फ्रेंड्स वो यहाँ पे आया है, ठीक है। तो आपको भी आपका एडमिट कार्ड कुछ इस प्रकार मिलेगा, ठीक है, आपको ये चेक कर लेना है आपका सेंटर किस जगह पे है, ठीक है, आपका रिपोर्टिंग टाइम क्या है, आपको यहाँ पे रिपोर्टिंग टाइम दिया गया है द सेम, आपको भी यहाँ पे टाइम आपका भी सेम यही होगा, ठीक है, क्योंकि पेपर जो होना है ज़्यादा डेटेस में नहीं है, क्योंकि ज़्यादा बच्चे ने फॉर्म नहीं भरा है, ये कमी है इसमें, ओके। और फ्रेंड नीचे ये आपका एड्रेस है, ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो मैंने आपका ये एडमिट कार्ड है, ओके। और फ्रेंड्स बात कर लेते हैं आपके डॉक्यूमेंट के बारे में, आपको क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, कई बच्चों की रहती है कि क्या डॉक्यूमेंट लेके जाए हम वहाँ पे, तो आपको बता दूँ मैं, जब का मेन है 10th और +2 के आपके DNC मतलब मार्कशीट, ठीक है, और आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, और जो आपने मतलब जो आपके SC BC, अगर आपको जनरल से हैं तो आपको आपका SC मतलब कि आप सर्टिफिकेट, कास्ट का सर्टिफिकेट आपका नहीं होगा, लेकिन आप अगर OBC से हैं या फिर SC से हैं तो आपका SC कास्ट का सर्टिफिकेट जरूर होगा, ठीक है, दोनों सर्टिफिकेट आप लेके जाएँ। SC और SC और डोमिसाइल के अलावा भी एक सर्टिफिकेट और होता है जो सेंटर का होता है फ्रेंड्स, ठीक है, ध्यान सुने, SC और OB मतलब SC और डोमिसाइल जो होता है उसके अलावा एक सर्टिफिकेट और होता है जो सेंटर का होता है, इस पे धाराएं लिखी होती है, धाराएं लिखी होंगी अगर उसके ऊपर, ठीक है, आपको बस अगर वो है तो आप उसे उसे बन मतलब है तो कोई बात नहीं है, ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो उसे जरूर बनवा लें, क्योंकि आपका वहाँ पे जरूर चेक होएगा वो, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है और मैं वहाँ से कई बार वापस आ चुका हूँ दोस्तों, ठीक है, इसलिए आपको बता रहा हूँ मैं। सेंटर का सर्टिफिकेट आपको तैयार करवाना है अपना, ठीक है, अगर आप SC से हैं तो, ठीक है, SC OBC से हैं, और फ्रेंड्स आप इसके लिए दोस्तों आपको कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको कोर्ट में जाना है, वहाँ से आपको फॉर्म लेना है, फॉर्म फिलअप करके आपको उसके पटवारी की मतलब मोहर मरवाने हैं, साइन सिग्नेचर करवाने हैं, तहसीलदार के सिग्नेचर होंगे उसके ऊपर, ठीक है, इतना सब करने के बाद उसको आप लेमिनेशन करवा लें या फिर सेफ रखें उसको, ठीक है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है वो, आप इस प्रकार के जो भी फॉर्म आप फिलअप करेंगे, ठीक है, जो भी आप इस प्रकार के फिजिकल देने जाएंगे, हर जगह वो सर्टिफिकेट मांगा जाता है, आप ITBP CISF या फिर SSB, हर जगह आपसे वो सर्टिफिकेट आपका चेक होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस दोस्तों इतना ही, दोस्तों अगर आपका मेरा वीडियो अच्छा लगा तो अपनी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और फ्रेंड्स अगर आपको इससे रिलेटेड मुझे कोई भी न्यूज़ चाहिए हो, ठीक है, आपको किसी बात में डाउट लगता है, फिर आपको कुछ बात समझ में नहीं आती है, तो आप मुझे कॉमेंट करें, मैं आपका कॉमेंट का जवाब जरूर दूंगा फ्रेंड्स, ठीक है, एंड फ्रेंड्स थैंक यू सो मच।